हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पार्सल में। सीजीपीएससी पार्सल में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले एक से लेकर के 15 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी सीजीपीएससी प्री 2021 के लिए एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो शायद आपके फरवरी 2022 में आपके हो सकते हैं। देखिए, शायद शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके नोटिफिकेशन अभी आने बाकी है। वैसे तो जब पिछले 2-3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सीजीपीएससी प्री के जो एग्जाम है वो फरवरी में हो जाते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको साइड स्क्रीन में शो हो जाएगा। जिस भी सदस्य को रजिस्ट्रेशन कराना है वो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके, एक व्हाट्सएप मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा चीज, आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जी हां, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ कारण है, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज है जिसके कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। आज ये जो आपका जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए मेरे को काफी अपना टाइम मैनेज करना पड़ा है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि मेरी परिस्थिति क्या है, इस कारण से जो है मैं थोड़ा सा अपना वीडियो रिकॉर्ड कर पाने के लिए सक्षम नहीं हूं। ठीक, मेरा प्रयास तो है कि जल्द से जल्द जो है मेरी चीज़ें जो है जो मेरी समस्या है वो रिजॉल्व हो जाए और मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। अभी भी जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वीडियो के पीछे आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड साउंड सुनने के लिए दिख रहा होगा। देखिए, क्योंकि जो अभी जो मेरे घर के ही पास में कहीं पर जस प्रतियोगिता चल रहा है, कहीं पर अखंड रामायण चल रहा है, तो उसके साउंड जो है लगातार मेरे कमरे में आ रहे हैं और वही जो है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। ठीक, अभी थोड़ा सा वॉइस डाउन हुआ है करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर भी अगर डिस्टर्बिंग नॉइस अगर आपको सुनने के लिए मिले तो प्लीज इसे थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हुए चलिएगा। एग्जाम पास में है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, इसलिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसीलिए जो है आप थोड़ा सा इस बैकग्राउंड नॉइस को निग्लेक्ट करते हुए चलिएगा। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा आज के लेक्चर को। सबसे पहले नंबर पर है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और आपके भरतपुर तहसील। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। कौन कौन से थे वो 4 जिले? एक था आपका मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, दूसरा था शक्ति, तीसरा था आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा था मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इन 4 नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। अब जो है प्रदेश सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया जा रहा है जहां पर इनकी सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में ये जो नए जिले का जो गठन किया जाएगा तो इन जिले की सीमाएं किन अन्य जिलों या फिर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करेगी। तो लास्ट क्लास में हमने आपका मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, शक्ति और आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, इनकी सीमाओं को हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे आपके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और जो भरतपुर है, ये जो आपका एक नया जिला जो बन रहा है, इसको शॉर्ट में कहा जाएगा आपका एमसीबी। जैसे गोरिल्ला पेंडर मारवाही को हम जीपीएम कहते हैं, वैसे ही आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को कहा जाएगा आपका एमसीबी। ये जो आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, ये आपके कोरिया जिले से पृथक होकर के एक नए जिले बनेगा। देखिए, यानी कि इस नए जिले का मातृ जिला कौन सा है पूछा जाए तो ये है आपका कोरिया जिला। कोरिया जिला से पृथक होकर के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक नए जिले का सृजन होगा। देखिए, अब इनकी सीमाओं को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए, ये जो है यहां पर आप जो मैप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा है आपका कोरिया जिला। कोरिया जिला जिसमें ब्लॉक है आपके भरतपुर, सोनहत, बैकुंठपुर, खटगवा और आपका मनेंद्रगढ़। ठीक, अब ध्यान समझते हुए चलिएगा कि इसका विभाजन किस प्रकार से हो रहा है। तो ये जो कोरिया जिला है, इस कोरिया जिले से पृथक होकर के एक नया जिला बन रहा है आपका एमसीबी। ठीक, एमसीबी देखिए, ये है इसकी सीमा। इधर जो आपका जिला जो बच रहा है, देखिए जो मैंने बाउंड्री लाइन बनाया है, इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ जो सीमा बच रहा है ये है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और इधर का जो बचा हुआ हिस्सा है, इधर का बचा हुआ हिस्सा रहेगा आपका कोरिया। ठीक है, कोरिया, ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये जो नया जिला है ये है आपका एमसीबी, यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, जो कि कोरिया जिले से पृथक होकर के एक नया जिला बन रहा है। अब इसकी सीमाओं को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए, यह है आपके दिशा का चिन्ह, इधर है आपका उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा, ये पूर्व और यह है आपका पश्चिम दिशा। तो जो नए जिले का जो सृजन हो रहा है आपका एमसीबी का, इस नए जिले के उत्तर दिशा में है आपका सीधी सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य का सीधी सिंगरौली जिला। देखिए, ध्यान समझिएगा, ये आपकी दिशाओं से प्रश्न
जरूर पूछेगा। जो नया जिला जो आपका बन रहा है आपका एमसीबी, इसके उत्तर दिशा में मौजूद है मध्य प्रदेश राज्य का सीधी सिंगरौली जिला। अगर तहसील की बात किया जाए तो तहसील में है आपका कुसमी, ठीक है, कुसमी तहसील। लेकिन अगर जिला की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश राज्य का सीधी और सिंगरौली जिला उत्तर दिशा में इसके साथ सीमा साझा करेगा, ठीक है। अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, दक्षिण दिशा में यहां पर जो है इसकी सीमा पोड़ी उपरोड़ा तहसील जो कि कोरबा का है और रामानुज नगर जो कि सूरजपुर का है इसके साथ सीमा साझा करेगा। देखिए इसकी जो दक्षिण दिशा का जो निर्धारण है ना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो अधिसूचना जारी किया गया है अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप उसमें और कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आप एक्चुअली में छत्तीसगढ़ का नक्शा देखेंगे तो ये है आपका कोरिया जिला और कोरिया जिले से इधर उभर करके थोड़ा सा मैप टर्न होता है, यहाँ पर है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला इस तरफ, ठीक है, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला और इधर ध्यान समझिएगा गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला और नीचे है इसका कोरबा और इधर अगर आप ध्यान देंगे तो इधर से जो है आपका सूरजपुर के साथ सीमा बनाता है। यानी कि यहाँ तो आपका कोरिया है, कोरिया जिले से थोड़ा सा ऊपर इधर जो है आपके सूरजपुर जिले की सीमा प्रारंभ होती है, ठीक है, सूरजपुर जिले की सीमा प्रारंभ होती है। तो ध्यान समझिएगा, अगर हमारा ये आपका एमसीबी एक नया जिला है तो इसके उत्तर दिशा में सीधी सिंगरौली, मध्य प्रदेश राज्य का सीधी सिंगरौली जिला सीमा साझा करेगा। दक्षिण दिशा में यहां पर है आपका कोरबा, कोरबा का तहसील की अगर बात किया जाए तो पोड़ी उपरोड़ा तहसील और अगर थोड़ा सा हम इधर साइड में जाए तो यहीं पर नीचे तरफ देखिए यहीं पर नीचे तरफ है आपका सूरजपुर, तो सूरजपुर की जो सीमा है आपका रामानुज नगर वो सीमा साझा करेगी, ठीक है। इधर की अगर हम बात करें तो ये तो है आपका कोरिया, जो बचा हुआ जो जिला है आपका कोरिया, कोरिया जिले का सोनहत और बैकुंठपुर ये सीमा साझा करेगा, ठीक है, सोनहत और बैकुंठपुर सीमा साझा करेगा। और पश्चिम दिशा में है गोरेला पेंड्रा मरवाही के ऊपर ही मौजूद है आपका अनूपपुर, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य का अनूपपुर जिला और गोरेला पेंड्रा मरवाही ये सीमा साझा करेगा, ठीक है। तो मैप को थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपके कोरिया जिले से पृथक होकर के एक नया जिला बन रहा है, कौन कौन सा, आपका एमसीबी, एमसीबी मतलब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और आपका भरतपुर, ये एक नए आपके जिले का गठन हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश राज्य का सीधी सिंगरौली के साथ सीमा साझा कर रहा है। दक्षिण दिशा की बात करें, आप एक्चुअल जो छत्तीसगढ़ मैप है उसको उठाकर देखिएगा, उस मैप में आपको पता चलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका कोरबा, ठीक है, और इसके इधर से जो है ध्यान समझिएगा, ये देखिए ये है, ये जो इतना एरिया है ये है कोरबा, ये वाला जो एरिया है ये है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही और यहाँ से जो है आपका सीमा शुरू हो जाता है आपके सूरजपुर का। देखिए ये जो इधर से जो सीमा है ना ये आपका सूरजपुर का सीमा चालू हो जाता है, थोड़ा सा नीचे से ये भी आपका ये जो है आपका सूरजपुर का सीमा प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए सूरजपुर का यहां पर आपका कोरबा जिले का पोड़ी उपरोड़ा तहसील और सूरजपुर जिले का ये है आपका रामानुज नगर, ठीक, ये दक्षिण में सीमा साझा करेगा। उत्तर की बात करें तो मनेंद्रगढ़ के उत्तर में क्या है, ये है आपका सोनहत बैकुंठपुर, जबकि पश्चिम में क्या है मध्य प्रदेश राज्य का अनूपपुर जिला। इंपॉर्टेंट है, दिशाओं को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें तो इस नए जिले में कौन कौन से उपखंड शामिल हो रहे हैं, इसमें तीन उपखंड शामिल होंगे, एक है आपका भरतपुर, दूसरा है आपका मनेंद्रगढ़ और तीसरा है आपका खटगवा चिरमिरी, ठीक है, खटगवा चिरमिरी या इसे ही चिरमिरी खटगवा कहते हैं, ठीक, ये है आपका खटगवा चिरमिरी, ये तीन उपखंड शामिल होंगे। अगर हम इसमें तहसील की बात करें तो इस नए जिले में टोटल आपके पांच तहसील शामिल हो रहे हैं, कौन कौन सा, मनेंद्रगढ़ एक, दूसरा केल्हारी दो, तीसरा भरतपुर तीन, चौथा खटगवा चार, पांचवा चिरमिरी पांच, ठीक, ये जो है आपके पांच तहसीलों के साथ एक नए जिले का सृजन हो रहा है। अब बात आती है कि जो आपका कोरिया जिला है, कोरिया जिले में कुल कितने तहसील शेष रह जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कोरिया जिले में जो है आपके तीन तहसील शेष रह जाएंगे, एक है आपका सोनहत, दूसरा है बैकुंठपुर और बैकुंठपुर में ही एक है आपका पटना, ठीक है, बिहार वाला पटना नहीं, एक पटना तहसील भी है जो कि बैकुंठपुर में है, तो ये तीन तहसील शेष रह जाएंगे आपके कोरिया जिले में, ठीक, तो इनके सीमाओं को थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक यानी आपके डीजीपी, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं
आपके अशोक जुनेजा, अशोक जुनेजा जो कि छत्तीसगढ़ के 11वें पुलिस महानिदेशक या फिर आपके डीजीपी है। देखिए ये जो है ये अपना पद ग्रहण कर रहे हैं किनके पास, डीएम अवस्थी के बाद। डीएम अवस्थी से अब इनके बाद डीएम अवस्थी के बाद अगले छत्तीसगढ़ के 11वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है आपके अशोक जुनेजा जी को। इंपॉर्टेंट है, इनके क्रम को याद रखिएगा, कौन से नंबर के, 11वें नंबर के, 10वें नंबर के कौन थे, डीएम अवस्थी, और छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे पूछा जाए तो वो है श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 11वें पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी कौन है तो वो है आपके अशोक जुनेजा। ये जो है आपके डीएम अवस्थी के बाद अगले यानी कि 11वें नंबर के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झीरम घाटी नक्सली हत्याकांड। देखिए झीरम घाटी नक्सलाइट जो हमला है ये हुआ था आपके 25 मई 2013 को सुकमा के झीरम घाटी में हुआ था ये नक्सलाइट हमला, जिसमें कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता शहीद हो गए थे, जैसे कि महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल सहित लगभग 32 लोग जो है इस नक्सलाइट हमले में शहीद हुए थे। ये नक्सलाइट हमला कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 25 मई 2013। प्रदेश सरकार के द्वारा इसी 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम घाटी शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा इसी साल की गई है। ठीक, देखिए जब ये आपका नक्सलाइट हमला हुआ था तो इसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था। ये जांच आयोग क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनके वापसी का जो निर्धारित मार्ग यानी कि उनके लौटने का जो मार्ग निर्धारित किया गया था उस पर उसमें जो है परिवर्तन कर दिया गया, और जो जिस परिवर्तित मार्ग से वो लौट रहे थे उसी परिवर्तित मार्ग में नक्सलियों ने हमला कर दिया, तो इसी के लिए बनाया गया आपका जांच आयोग। उस जांच आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो थे आपके जस्टिस प्रशांत मिश्रा। जस्टिस प्रशांत मिश्रा, इसलिए इस आयोग को कहा जाता था आपके जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग या झीरम घाटी नक्सली हमला आयोग। ठीक है, देखिए इस आपके आयोग का गठन किया गया था 28 मई 2013 को। 25 मई 2013 को नक्सलाइट हमला हुआ था, उसके 3 दिन बाद 28 मई 2013 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग ने लगभग आपके 8 साल बाद अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट सौंपा 6 नवंबर 2021 को इस आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जो है आपके राज्यपाल अनुसुईया को सौंपा गया। ध्यान समझिएगा, ये रिपोर्ट है, इसमें टोटल आपके 10 वॉल्यूम है और ये रिपोर्ट 4184 पन्नों का है। कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, इसलिए पूरा डिटेल में याद रखिएगा। देखिए झीरम घाटी नक्सलाइट हमला कब हुआ, 25 मई 2013 को, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, प्रशांत मिश्रा। ध्यान दीजिएगा, ये जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा है ये हाल ही में इन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ में जो है काफी समय तक ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में थे, इन्हें जो है अब आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है। वर्तमान में ये जो प्रशांत मिश्रा है ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक, ध्यान समझिएगा, तो ये जो आपका आयोग का गठन किया गया था 28 मई 2013 को, इसने लगभग 8 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो कि 6 नवंबर 2021 को ये रिपोर्ट सौंपी गई राज्यपाल अनुसुईया उके को। ये जो आपका रिपोर्ट है ये 10 वॉल्यूम में है जो कि 4184 पन्नों में है। ठीक, देखिए लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा, जो वर्तमान में हमारी कांग्रेस सरकार यानी भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उन्हें इस जांच आयोग के रिपोर्ट में गड़बड़ी लगी है। क्यों, क्योंकि जब ये रिपोर्ट सौंपा गया तो जो रिपोर्ट जो कि बंद लिफाफे में होना चाहिए, सील लगा हुआ होना चाहिए, रिपोर्ट था खुला हुआ, जिसके कारण प्रदेश सरकार के द्वारा इस एक नए जांच आयोग का फिर से गठन किया गया इसी झीरम घाटी नक्सलाइट हमला में। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके झीरम घाटी नक्सलाइट हमला की जांच करने के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग का गठन किया गया है आपके 11 नवंबर 2021 को इस नए आयोग का गठन किया गया। ये जो आयोग है ये आयोग 2 सदस्यीय आयोग होगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे आपके जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक नए जांच आयोग का गठन किया गया है झीरम घाटी नक्सलाइट हमले की जांच के लिए। 2 सदस्यीय आयोग होगा, जिसके अध्यक्ष होंगे सतीश अग्निहोत्री और 1 सदस्य होंगे जी मिन्हाजुद्दीन इसके सदस्य होंगे। तो ये जो आपका आयोग है इसे सतीश अग्निहोत्री आयोग के नाम से जाना जाएगा, जो कि झीरम घाटी नक्सलाइट हमले की जांच करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा डेट को। नेक्स्ट है आपका देवव्रत सिंह, हाल ही में खैरागढ़ रियासत के राजा, खैरागढ़ विधानसभा के विधायक, ये जो है देवव्रत सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए
ये जो आपके देवव्रत सिंह हैं ये आपके खैरागढ़ रियासत के राजा थे। इसके साथ साथ खैरागढ़ विधानसभा सीट से ये जो है एक विधायक भी थे। देवव्रत सिंह का नाम थोड़ा याद रखिएगा। अब जो है इनके निधन के पश्चात खैरागढ़ की सीट हो गई है आपकी खाली, ठीक है, खैरागढ़ की सीट हो गई है आपकी खाली। थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। अभी तक जो है हमारे प्रदेश में मेरे हिसाब से शायद ये चौथे नंबर का जो आपका विधानसभा सीट है वो रिक्त हो चुका है। आपके देवव्रत सिंह के निधन के पश्चात ये खैरागढ़ विधानसभा की सीट हो गई है रिक्त। विधानसभा चुनाव के पश्चात अब तक हमारे प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। कौन कौन सा है? एक था आपका दंतेवाड़ा का सीट, दंतेवाड़ा के सीट जिसमें थे आपके भीमा मंडावी जी जिनकी नक्सलवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिसके पश्चात दंतेवाड़ा विधानसभा सीट रिक्त हो गया था। वहां पर चुनाव कराया गया और वहां पर अभी वर्तमान में विधायक बनी है आपकी देवती कर्मा। उसके बाद एक था आपका चित्रकूट जो आपका विधानसभा सीट था। इस चित्रकूट विधानसभा सीट में जो आपके विधायक चुनकर के आए थे वो थे आपके दीपक बैच, जो कि बाद में लोकसभा सांसद बन गए, जिसके कारण ये भी सीट रिक्त हो गया। इस सीट में भी चुनाव हुए और इस सीट में आप करके चुनकर के आए रामजन बेंजाम। और फिर एक था आपका मरवाही विधानसभा सीट जिसमें थे आपके अजीत जोगी जी जिनका पिछले साल ही निधन हुआ, और निधन के पश्चात यहां पर भी उपचुनाव हुए और उपचुनाव के पश्चात यहां पर विधायक बने आपके के ध्रुव। ठीक, तो ये 3 विधानसभा सीट ऐसे थे जिनमें विधानसभा चुनाव के पश्चात उपचुनाव हुए। अभी हाल ही में एक खैरागढ़ विधानसभा सीट भी रिक्त हो गया आपके देवव्रत सिंह जी के निधन के पश्चात। अब यहां पर भी उपचुनाव कराए जाने की तैयारी चल रही है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विधानसभा चुनाव के पश्चात अब तक हमारे प्रदेश के 4 विधानसभा सीट जो कि रिक्त हो चुके हैं, जिसमें से 3 में उपचुनाव होकर के वहां पर विधायक चुने जा चुके हैं। अब ये चौथा है आपका खैरागढ़ विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही है। ये जो देवव्रत सिंह है इनके दादा थे आपके वीरेंद्र बहादुर सिंह और दादी थी पद्मावती। ध्यान दीजिएगा, इतिहास से संबंधित है। वीरेंद्र बहादुर सिंह और आपकी पद्मावती, इनकी पुत्री थी इंदिरा, जिनका जो है जिसके निधन के पश्चात उनकी स्मृति में इन्होंने अपने महल को संगीत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1956 में बना था आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि इन्हीं की आपके प्रॉपर्टी में बना था। ठीक है, इन्होंने अपनी संपत्ति दान की थी और उसी पर बना आपका खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय, ठीक, जो कि इन्हीं के आपके दादा थे। अब ये देवव्रत सिंह के पश्चात खैरागढ़ रियासत के अगले राजा इनके उत्तराधिकारी बन रहे हैं आपके आर्यव्रत सिंह। ठीक, इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, आर्यव्रत सिंह, जो कि देवव्रत सिंह के बाद खैरागढ़ रियासत के अगले राजा होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा जंगल सफारी। हमारे प्रदेश का पहला मानव निर्मित जंगल सफारी है आपके रायपुर में। ठीक है, रायपुर में हमारे प्रदेश का पहला मानव निर्मित, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है आपके रायपुर में। अब दूसरा जंगल सफारी बनाया जा रहा है आपके कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो नामक स्थान पर हमारे प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी बनाया जा रहा है। देखिए, इसके लिए लगभग जो है आपके 191 हेक्टेयर की भूमि चिन्हांकित की गई है। अगले 3 साल में 75 करोड़ की लागत से यह जंगल सफारी विकसित किया जाएगा। हमारे प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी कहां पर विकसित किया जा रहा है? कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखिएगा, 191 हेक्टेयर भूमि पर यह विकसित किया जाएगा। अब देखिए कुछ विविध जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका पद्मश्री, जो कि आपके भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक होता है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो आपके नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है तो सबसे बड़ा होता है आपका भारत रत्न, उसके बाद होता है आपका पद्म विभूषण, फिर पद्मभूषण, फिर पद्मश्री। तो देखिए, हमारे प्रदेश के 2 आपके व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए, एक पुरस्कार है आपके वर्ष 2020 का, जो कि कोरोना संक्रमण काल के कारण जो है ये आपके पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, और एक है आपके इस साल का यानी कि वर्ष 2021, दोनों को इसी साल प्रदान किया गया है। पद्मश्री 2020 इससे सम्मानित किया गया है आपके मदन सिंह चौहान, जो कि आपके एक सूफी गायक है। इन मदन सिंह चौहान को गुरुजी के नाम से भी पुकारा जाता है, मदन सिंह चौहान। और दूसरे हैं आपके डॉक्टर राधेश
श्याम बारले, डॉक्टर राधे श्याम बारले जो कि हमारे प्रदेश के एक प्रसिद्ध पंथी कलाकार है, ठीक है, पंथी कलाकार जो कि आपके सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास के उपदेशों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है पंथी नृत्य में, ये इसके कलाकार है आपके डॉक्टर राधे श्याम बारले। इन दोनों को कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, वर्ष 2020 का मिला आपके मदन सिंह चौहान को, वर्ष 2021 का मिला है आपके डॉक्टर राधे श्याम बारले को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी, छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी ये इसका लोकेशन निर्धारित हो गया है आपके रायपुर जिले के, आपके खंडवा, रायपुर जिले के खंडवा ग्राम में आपके सेक्टर 39 में, इस क्षेत्र में विकसित होगा हमारे छत्तीसगढ़ का फिल्म सिटी। नेक्स्ट देखिए, जो है भारत की राष्ट्रीय तितली, भारत की राष्ट्रीय तितली ये घोषित हुई है आपके ऑरेंज ऑक्लिफ, ऑरेंज ऑक्लिफ नामक तितली को भारत का राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है और यह तितली हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के भोरमदेव वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव क्षेत्र में पाई जाने वाली आपकी तितली ऑरेंज ऑक्लिफ जिसे राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। ऐसा नहीं है कि तितली केवल हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, भारत के और भी अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कवर्धा जिले के भोरमदेव आपके अभ्यारण्य या भोरमदेव के वन क्षेत्र में ये तितली पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक अवकाश, अभी हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार के द्वारा एक और क्षेत्रीय पर्व में सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है, वो है आपके छेरछेरा, छेरछेरा जो कि पुष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है छेरछेरा पर्व। इस छेरछेरा पर्व में पहले ऐच्छिक अवकाश दिया जाता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उस दिन छुट्टी लेना चाहता है तो वो छुट्टी ले सकता था, तो अब इस ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश से परिवर्तित कर दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। कुल 5 इसको छेरछेरा को लेकर कुल 6 आपके क्षेत्रीय पर्व में सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। कौन कौन सा है? एक है आपका हरेली, दूसरा है हरतालिका तीज, हरतालिका तीज, उसके बाद है आपका कर्मा जयंती, फिर है आपके विश्व आदिवासी दिवस, उसके बाद है आपका छठ जो कि आपके बिहार, जो आपके बिहार में रहने वाले जो बिहारी समुदाय है उनका जो प्रमुख पर्व है छठ, छठ पूजा में भी सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। अब छठवें नंबर पर है आपका छेरछेरा, तो टोटल 6 आपके क्षेत्रीय पर्व, 6 जिसमें से 5 हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय पर्व है और एक है आपका जो बिहार का पर्व है छठ पूजा, तो टोटल 6 आपके पर्व में सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में छेरछेरा में सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला किसान स्कूल, प्रदेश का पहला किसान स्कूल ये खोला गया है आपका बेहराडीह में, जांजगीर चांपा जिले के बेहराडीह में प्रदेश का पहला किसान स्कूल खोला गया है। ये हमारे प्रदेश का पहला और साथ साथ देश का भी पहला किसान स्कूल होने का दावा किया जा रहा है इस आपके बेहराडीह के किसान स्कूल को, जहां पर कुल 18 विषयों में पढ़ाई कराया जाएगा और इसकी कोई भी योग्यता नहीं है, यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के ग्रेजुएट तक इस स्कूल में एडमिशन लेकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें 18 विषयों में पढ़ाई कराई जाएगी, यानी कि मछली पालन सिखाया जाएगा, पशुपालन सिखाया जाएगा, मधुमक्खी पालन सिखाया जाएगा, डेयरी उद्योग से संबंधित कुल 18 विषयों पर पढ़ाई होगी आपके इस किसान स्कूल में। कहां खोला गया? जांजगीर चांपा के बेहराडीह में। नेक्स्ट देखिए, 79 नंबर का आपका सर्वेश्वर महंत टूर्नामेंट हो रहा है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि सर्वेश्वर महंत टूर्नामेंट जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके हॉकी से। तो ये सर्वेश्वर महंत टूर्नामेंट ये आयोजित होगा आपके राजनांदगांव जिले में, इसका संस्करण भी थोड़ा याद रखिएगा, 79 नंबर का है ये, ठीक है। सर्वेश्वर महंत टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? हॉकी संबंधित है। कहां आयोजित होगा? ये आयोजित होगा आपके राजनांदगांव जिले में। नेक्स्ट है आपका बालबाड़ी स्कूल, अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बालबाड़ी स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। बालबाड़ी स्कूल होगा क्या? इस स्कूल में 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को यहाँ पर स्कूल से पहले की शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, हमारे प्रदेश में जो है एक कॉन्सेप्ट है आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी का यानी कि स्कूल से पहले जब बच्चे छोटे, आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें आंगनबाड़ियों के माध्यम से स्कूल से पहले जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो है, वो आपके कराई जाती थी आंगनबाड़ी में। देखिए, बच्चों का जो स्कूल में जो एडमिशन होता है वो उसके लिए जो निर्धारित आयु है वो है 5 साल, यानी कि 5 साल के पश्चात ही बच्चों को आप स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ये 5 साल से पहले के जो आयु के बच्चे हैं उसमें से जो काफ़ी छोटे बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा आंगनबाड़ियों के माध्यम से होती है। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, वो है आपका बालबाड़ी। आंगनबाड़ी में तो काफी छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन बालबाड़ी में जो है आपके 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को स्कूल से पहले की शिक्षा प्रदान की जाएगी इस बालबाड़ी के माध्यम से, ठीक है। तो बालबाड़ी स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ लोक कला साहित्य और युवा महोत्सव,
इसकी घोषणा किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कि प्रतिवर्ष अब हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को, तो अब प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ लोक साहित्य एवं युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस साल यह आयोजन होगा आपके रायपुर में 12 से लेकर 14 जनवरी के मध्य इस छत्तीसगढ़ लोक साहित्य एवं युवा महोत्सव का आयोजन होगा और यह महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स। हाल ही में ये जो आपको सूचकांक जारी किया गया है इसमें हमारा छत्तीसगढ़ फोर्थ पोजीशन पर है। पहले नंबर पर है केरल, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर है तेलंगाना और हमारा छत्तीसगढ़ जो है इस पब्लिक अफेयर इंडेक्स में फोर्थ पोजीशन पर है। इंपॉर्टेंट है इन सारे करंट अफेयर को याद रखिएगा, स्पेशली इस नए जिले को, इसकी सीमाएँ अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी सीमाएँ जो है काफ़ी, अगर जो इसका जो अधिसूचना जारी किया गया था राजपत्र में उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी घूम जाएंगे। थोड़ा सा मैप को दिमाग बैठा के रखिएगा, सीमाओं से प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर दिशा में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।